deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover. You देख के अच्छा लग रहा है ना गाइस, तो बता दूँ अभी बारिश हुई थी और बारिश बंद हुई तो मैं छत पे गई तो यही देख रही थी और का कितना अच्छा लग रहा है और अजीब सा बादल है ना, ब्लू ग्रे वाइट ऐसे करके अच्छा लग रहा था। तो मन पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोग को भी दिखा दूँ कैसा लगा, बताना ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे बारिश हुई है और बारिश होने के बाद कम से कम आधा एक घंटा बारिश हुई थी, उसके बाद बंद हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं दवाई लगाई हूँ और कई लोग बोले कि इग्नोर करो, तो वो आदत है, वो पड़ी हुई है। तो यहाँ पे दवाई लगी हुई है, थोड़ा सा आराम हो जाए तो ब्लॉग ना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जब रहती है ना, दर्द भी कर रहा है, जलन हो रही है। तो लेकिन अभी एक दो दिन का टाइम लगेगा थोड़ा जलन ख़त्म होने में। और आप लोग को मौसम दिखा देती हूँ, मौसम कैसा हुआ है। चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे बैठ जाती हूँ, यहीं पे बैठने की वजह से तो छाले हो गए मुझे। ये पीछे घर बन रहा है तो मैं इसको देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही बनेगा तो मेरा भी होगा। और पता है इस छाले की वजह से ना, ये आँखों पे यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है ना, कुछ लगा पा रही हूँ मैं फेस पे, ना मॉइस्चराइजर ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ लगा सकते हो, क्या फ़ायदा, इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और काश मैं अपने घर की, अपने दीदी के यहाँ की बच्चियों को दिखा पाती, वो सब बहुत मस्ती करती हैं मुझे, मतलब कि इतनी मस्ती करती हैं कि शायद ही मैं ब्लॉग में, शायद ही मुझे टाइम मिल पाता ब्लॉग में अपने आने का, क्योंकि वो सब इतना मस्ती करती है ना, दिन का पता ही नहीं चलता यहाँ पे, क्योंकि उन लोग की हंसी मजाक और इतने शरारती हैं ना सब, पूछो मत। देख के लगता है कि अभी यही है बचपना उन लोग का, इस एज में हम लोग भी यही सब चीज़ें करते थे, तो अच्छा लगता है। तीन चार हैं और एक, अच्छा लगता है देख के इन लोगों को ना, मुझे अपना बचपन याद आता है कि मैं भी इस एज में ऐसे ही रहती थी मस्त मौली। तो बचपन बहुत सुंदर होता है ना। यहाँ पर बारिश हुई है तो बोल रहे हैं, मोर सारे बोल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें। मैं सोची थी आज ना ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं मेरी दीदी की लड़की कह रही है, बात कर रही थी अपने में सब लोग कि ब्लॉग जिसका कंटिन्यू आता रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, और नहीं आता है, एक दो दिन का गैप हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैं देखना छोड़ देती हूँ। हम कहे हे भगवान मेरे भी ऐसे ही कुछ ना हो जाए, तो मैं तुरंत उठ गई, मैं कही चलो जैसा भी है, जो भी है प्रॉब्लम है जो होता रहता है, ये भी व्लॉग का एक पार्ट ही है कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें भी आई हैं। तो यहाँ धीरे धीरे ना सारी मतलब सब चीज़ें पता चल रही है कि कहाँ कहाँ वो कीड़ा छुया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मतलब कुछ पता नहीं है कि कल तक कहाँ कहाँ पे वो छाले टाइप में निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे ना सब ऊपर आ रहे हैं, छाले तो इस तरीके से हैं। यहाँ से आम दिख रहा है ना, तो और यही इसी का नतीजा है कि मैं इतना मुझे ये सब चीज़ें हो गई, इसीलिए मैं आज दूर बैठी हूँ उससे। मौसम बारिश की वजह से ठंडा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, देखते हैं कब मिलते हैं ना।
क्योंकि ये जलन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू रहना चाहिए जो भी हो व्लॉग में। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ व्यू ना, ठीक है। तो पीछे का व्यू ये है और दिखाती हूँ आपको। आपको ये मौसम दिखाने के साथ साथ मैं बता भी दूँ, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गाइज, मेरे यहाँ ना एक छोटा सा यूट्यूबर बच्चा आया था, वो ना भोजपुरी में वीडियो में डांस किया है कई, और उसका कई लोगों का ग्रुप है, वो अकेले नहीं है, मैं पूछ रही थी सब कुछ, तो डांस काफ़ी अच्छा किया था, तो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आया था, सब लोग बोल रहे थे डांस करो डांस करो, तो किया था। और यहाँ पे बोड़े की सब्ज़ी बन रही थी, तो मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हाँ लेकिन दिखा दे रही हूँ कि ऐसे ही मसाला पूरा तैयार किया जाता है। ये देखें तो गाइस, ये देखिए, ये है वो बच्चा, और ये ना भोजपुरी गाने पे डांस करता है। इस टाइम जो भोजपुरी गाना बहुत ज़्यादा चला होगा, और वही उसी गाने पे समझ लीजिएगा डांस कर रहा है। मैं इसका गाना तो नहीं लगा सकती थी, कॉपीराइट आ जाता, लेकिन आप लोग का मन होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं अलग से इसका एक ना डांस का वीडियो डाल दूँगी, अगर आप लोग को देखना होगा सॉन्ग के साथ, कॉपीराइट आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन डांस बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था। फिर मैं पूछ रही थी कितने सब्सक्राइबर हैं, तो बोल रहा था कि हम लोग का कई लोगों का ग्रुप है, और कई लोगों का वही चलाते हैं। मैं इंस्टाग्राम पूछ रही थी, तो बोला अपना सब्सक्राइबर दिखाओ, ऐसे से बात कर रहा था। और तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही दो तीन गाने पे ये डांस किया था, खुद से कर रहा था बोलने पे तुरंत, क्योंकि लग रहा था देख के कि इसको डांस वांस करने में बड़ा मज़ा आता है, और इसका काम भी वही है, और जिस चीज़ में मज़ा आता है, जो काम करने में, उसमें इंसान आगे भी बढ़ता है, और उसको वही करना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई डांस काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि मन कुछ और हो, करे कुछ और, तो ना इंसान इधर का होता है ना उधर का होता है, ना आगे ही बढ़ पाता है। तो जिसमें आपका मन लगे उसी को आप आगे बढ़ाइए, और अपने बच्चों को भी बढ़ाइए उसी में आगे, मैं तो यही कहूँगी। फिर देखिए, आपको उस बच्चे को या आपको मंजिल में ज़रूर मिलेगी। तो वही है ये, और काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था, तो मैं वही पूछ रही थी। तो आप लोग को अगर इसका चाहिए होगा वीडियो, कॉपीराइट तो आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं अगर सॉन्ग के साथ चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं डाल दूँगी। लेकिन ये भोजपुरी का सॉन्ग पे डांस कर रहा था, तो जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा यूट्यूबर मुझसे मिला, तो देख के अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो, सब लोग हैं ऐसे भी, बच्चे यूट्यूब पे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो चलो, इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और आप डांस देख लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, आप इंजॉय करो ये डांस। डांस के थ्रू पता चल जाएगा किस गाने पे डांस कर रहा है। जाते जाते आपको एक टास्क देती जा रही हूँ, जिसको भी ये पता चल जाए कि कौन से गाने पे डांस कर रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और यूपी वाले तो समझ ही जाएंगे देख के स्टेप, तो आई थिंक आप गेस कर लोगे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको पता चले कि किस गाने पे डांस कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो इसी के साथ रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। Ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, I'ma get you.
I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell nah, this a no can do. 17. I'ma have to just keep your face in. Damn, you think I forgot about all them payments? Boy, I'm on your ass with my mask on just like I'm Jason. I know that you bounded to get complacent. Popped out the smoker, asked Tasty about how her day went. Just know I've been plotting and I've been waiting. Might hit you with the orange Bronco just like I'm Peyton. You need to get my money, come on. This ain't no sweet life, I'ma need to get my bread and no song. You want IG and your Da Vinci and your shirts be long. But in real life, you broke it in a Paul George fibula bone. I know you gon' pay me when the time's right, but the time is now, I'm finna knock out your lights. Got you thinking, shoulda never tweaked on me twice, and had you curving up that hill just like a turnpike. Yeah. Give me my money. Damn. Give me my money. Give me my money.